नमस्कार पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदर फोर्ड मॉडल ऑफ एटम की बात किया था और मैंने ये बताया था कि 1911 में रदर फोर्ड ने एटम का एक मॉडल प्रपोज किया ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 1913 में एंड बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को क्रिटिसाइज किया रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक्स निकाले और नील्स बोर ने कहा कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में यह कहा है कि एटम के ऑलमोस्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर पर एक टाइनी बट हेवी स्ट्रक्चर होता है जहां पर एटम का पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है और मोस्ट ऑफ दी वॉल्यूम एटम का एम्प्टी होता है उसी एम्प्टी वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में ऑर्बाइट करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर मोशन कर पाने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पर जो कुलंबिक अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है वो प्रोवाइड करता है तो बोर ने ये सवाल उठाया कि साहब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन को चार्ज है और आपको पता है कि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1869 में ही स्टैब्लिश हो चुकी थी और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि एक्सेलरेटेड चार्जेज रेडिएट एनर्जी तो बोर ने यह सवाल उठाया कि अगर रदरफोर्ड मॉडल सही है और रदर कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो एवरी सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन तो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में घूमेगा तो उसका मोशन एक्सेलरेटेड होगा और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड चार्ज हो जाएगा और टू मैक्सुल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सेलरेटेड चार्जेज शुड रेडिएट एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करेगा उसकी एनर्जी कम होते चली जाएगी उसके सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कम होता चला जाएगा एंड अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रैप्ड टू द न्यूक्लियस और अगर एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में ट्रैप हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज मिलकर के दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा बट इट डज नॉट सो हैपन सो देयर इज फैलेसी देयर इज ड्रॉबैक इन वॉट एवर हैज बीन प्रोपोज्ड बाई रदर फोर्ड इन हिज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम लेकिन बोर साहब के सामने भी एक समस्या थी अब ऐसा तो मान नहीं सकते थे कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहता है अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा तो दूसरी समस्या होगी वही समस्या फिर आ जाएगी कि भाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैव निगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को अगर रेस्ट में माना जाए एटम के अंदर कहीं पर उसके वॉल्यूम में न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस पर तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्योंकि वो रेस्ट से शुरू कर रहा है तो फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में वो भी ट्रैप हो जाएगा तो समस्या तो वही रह जाएगी तो बोर ने एक एजम्सन लिया और बोर ने एक नई बात जोड़ा बोर ने यह कहा कि रदर फोर्ड के मॉडल में जो सारी बातें कही गई हैं कि एटम का मोस्ट ऑफ वॉल्यूम एम्प्टी होता है एटम के ऑलमोस्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर पर एक टाइनी बट हेवी स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर एटम का पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा, 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 पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है जिसको कि न्यूक्लियस कहा गया था और न्यूक्लियस के चारों ओर जो एटम का एम्प्टी वॉल्यूम है उस एम्प्टी वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करते रहते हैं और उनको सर्कुलर मोशन कर पाने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है उससे मिलता है ये सारी बातें सही हैं हम इन सारी बातों से एग्री करते हैं ऐसा कहा बोर ने और रदरफोर्ड मॉडल की उन सारी बातों को मान लिया एक्सेप्ट अ न्यू प्रोपोजिशन उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने यह तो जरूर कहा है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमेगा सर्कल में ऑर्बिट करेगा लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कितने भी रेडियस के सर्कल में घूम सकते हैं कहीं भी घूम सकते हैं उस खाली वॉल्यूम में क्या इनके सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कुछ भी हो सकता है तो इन्होंने कहा नहीं और एक नया बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन के नाम से एक कंडीशन इन्होंने सजेस्ट किया प्रपोज किया और बोर ने यह कहा कि रदरफोर्ड मॉडल की और सारी बातें तो सही हैं लेकिन एक बात से मैं एग्री नहीं करता हूं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कितने भी रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बाइट नहीं कर सकता वो कुछ खास खास रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही ऑर्बाइट करेगा उतने रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में जितने रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बाइट करने पर घूमने पर न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h बाई टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो वेयर h इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट मतलब न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन का उसके सर्कुलर मोशन के दरमियान एंगुलर मोमेंटम एच बाई हो एच बाई टू पाई हो सकता है एच बाई टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा और जिस ऑर्बिट में घूमने पर यह कंडीशन सेटिस्फाइड होगी उतने ही रेडियस के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम सकता है किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में नहीं घूम सकता यह था बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन तो रदरफोर्ड मॉडल की सारी बातों को तो इन्होंने मान लिया हूबहू और उसमें एक नई बात जोड़ी जिसको हम लोग बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलते हैं जो ये कहता है कि अगर ये एटम है तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर न्यूक्लियस है और एटम का पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा मास यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा और सपोज कीजिए न्यूक्लियस को प्लस जेड ई के बराबर पॉजिटिव चार्ज है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में भी स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइंड होता है एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज डिफाइंड होता है अबाउट अ पॉइंट तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस के अबाउट जब भी एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो हमें मन में यह प्रश्न लाना है किसका एंगुलर मोमेंटम और किस पॉइंट के अबाउट तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम और न्यूक्लियस के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड होता है जैसे जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए उस पॉइंट के रिलेटिव इलेक्ट्रॉन के इंस्टेंटेनियस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और जिस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है उस पॉइंट से उसके लाइन ऑफ मोशन का परपेंडिकुलर सेपरेशन तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ माना जाता है और हम यह कहते हैं कि इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर पाने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता है

यहां से परपेंडिकुलर सेपरेशन है आर तो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन कहता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कितने भी रेडियस के किसी भी रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में ऑरबाइट नहीं करेगा सिर्फ उतने के करेगा, के करेगा, रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में ऑरबाइट करेगा जितने रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बाइट करने पर इसका न्यूक्लियस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम h बाई टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अबाउट न्यूक्लियस कितना हो जाएगा लीनियर मोमेंटम और इनटू इसके लाइन ऑफ मोशन का न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर सेपरेशन r और इसको होना चाहिए h बाई टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल n टाइम्स h अपॉन पाई वेयर इंटीग्रल मल्टीपल है तो एन इंटीजर होगा एंड इट स्टार्ट फ्रॉम वन तो एन हो सकता है वन टू थ्री ऑन और एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इस कंडीशन को जो ऑर्बिट सेटिस्फाई करेगा उतने ही रेडियस के ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा दूसरे रेडियस के ऑर्बिट में नहीं कर सकता ये बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन कहा गया और बोर के मॉडल को सेमी क्लासिकल मॉडल कहा जाता है मतलब बाकी बात तो क्लासिकल ही किया बोर ने लेकिन ये जो उसका न्यूक्लियस के अबाउट उसके सर्कुलर मोशन के दरमियान इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज ही लेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे यह एक अपने आप में क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन है तो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से पार्टिकल माना गया न्यूटन के लॉज अप्लाई किए गए न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई किया गया उसके डायनेमिक्स को समझने के लिए सिर्फ एक क्वांटम कंडीशन उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया इसीलिए इसको सेमी क्लासिकल मॉडल बोलते हैं तो इस कंडीशन को सटिस्फाई करने वाले ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन करेगा और दूसरी बात जो रदरफोर्ड ने भी कहा था ये बात रदरफोर्ड ने नहीं कहा था ये एक नई बात जोड़ी बोर ने और दूसरी बात जो रदर ने भी अपने मॉडल में कहा था कि अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका मोशन एक्सेलरेटेड होगा और सर्कुलर मोशन कर पाने के लिए जो एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगने की जरूरत होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर पाने के लिए वो सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से आएगा कौन देगा तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा

ट्रीपेटल फोर्स यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपेटल फोर्स देता है एम वी स्क्वे बाई आर दिस इज इक्वेशन नंबर टू और बोर ने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन इस बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करेगा तो इसके बावजूद कि वो चार्ज पार्टिकल है और उसका मोशन एक्सेलरेटेड होगा फिर भी वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करने पर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम h बाई टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो बावजूद इसके कि इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्सेलरेटेड होगा वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा और टाइम तक अपने ऑर्बिट में बना रह पाएगा और इसी कंसिडरेशन के आधार पर इन्हीं दोनों कंसिडरेशन के आधार पर एक तो ये कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए और दूसरा कि सर्कुलर मोशन करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिलेगा। बोर ने ये सारे फॉर्मूले निकाले कि अगर ऐसा है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने कितने रेडियस के ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर सकता है अलाउड ऑर्बिट्स का रेडियस कितना कितना हो सकता है तो अलाउड ऑर्बिट्स के रेडियाई का फॉर्मूला निकाला और उस पार्टिकुलर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बाइट कर रहा होगा तो एटम को एनर्जी कितनी होगी एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारे फॉर्मूले बोर ने कैलकुलेट किए निकाले तो आप देखिए फ्रॉम वन एंड टू वॉट वी मे इज फ्रॉम वन हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन आर को लिख सकते हैं एन एच बाई टू पाई एम वी और फ्रॉम टू एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आर को कितना लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू तो ये लिख सकते हैं जेड ई स्क्वेर डिवाइडेड बाई फोर पाई एपसाइलन नॉट एम वी स्क्वेर ऐसा और ये भी आर के बराबर है और ये भी आर के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे हेंस व्हाट वी मे राइट हेंस व्हाट वी मे राइट एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई एम वी शुड बी इक्वल टू जेड ई एस स्क्वेर बाई फोर पाई एक्साइलन नॉट एम वी स्क्वेर एम और एम कैंसिल आउट हो जाएगा एक वी से एक वी कट जाएगा और यहां से हम लोग लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज इज इक्वल टू वी एन is equal to what? और इस टू पाई से ये फोर पाई कट करके टू बन जाएगा तो इस वाले V को अगर हम लोग इधर ले जाएं, तो ये सारी चीजें कट चुकी हैं ये बचेगा जेड ई स्क्वेर डिवाइडेड बाय टू एपसाइलन नॉट h टाइम्स n मतलब Z बाई एन स्क्वेर बाई टू एपसाइलन नॉट एच ऐसा और ये क्या आ गया हम लोगों ने इसको v इज इक्वल टू वी एन क्यों लिखा इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने एनेथ ऑर्बिट में होगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n हो जाएगा वन सेकेंड ऑर्बिट के लिए n टू थर्ड ऑर्बिट के लिए एन थ्री एंड ऑन एन एथ ऑर्बिट के लिए एन 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 का वैल्यू एन तो जब इलेक्ट्रॉन एनवे ऑर्बिट में एन एथ ऑर्बिट में ऑर्बाइट करेगा न्यूक्लियस के चारों ओर उस समय उसका स्पीड अपने ऑर्बिट में कितना होगा उसका फॉर्मूला निकल गया इसीलिए इसको हम लोगों ने लिखा है वी इज इक्वल टू वी एन इज इक्वल टू वी एन मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेन इट विल बी इन इट्स एन ऑर्बिट v इज इक्वल टू वी एन इज इक्वल टू डिस नॉट एच और अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो z विल बी वन और हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n बराबर वन तो ये दोनों वन हो जाएगा और तब हो जाएगा स्पीड कितना हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो उसका स्पीड होगा ई ए बाई टू नॉट एच जो सारी चीजें कांस्टेंट हैं ई e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है एच प्लैंक्स कांस्टेंट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एवरीथिंग इज कांस्टेंट और दूसरे ऑर्बिट में एन टू हो जाएगा हाइड्रोजन है तो जेड तो वन ही रहेगा तो दूसरे ऑर्बिट का स्पीड फर्स्ट ऑर्बिट के स्पीड का वन बाई टू होगा तीसरे ऑर्बिट का स्पीड फर्स्ट ऑर्बिट के स्पीड का वन बाई थ्री होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है एनथ ऑर्बिट में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है और ये बोर का जो मॉडल है वो हाइड्रोजन के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं और हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए करेक्ट है हाइड्रोजन लाइक आयन मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो हीलियम प्लस के लिए करेक्ट होगा अगर हीलियम में से उसका एक इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दीजिए एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दीजिए तो हीलियम प्लस बन गया तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहा हाइड्रोजन की तरह तो वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया तो उसको हाइड्रोजन लाइक आयन बोलेंगे वैसे ही लिथियम प्लस प्लस बेरीलियम प्लस 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 ये सब हाइड्रोजन लाइक आयन्स कहे जाते हैं तो इनके लिए भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयन्स के लिए आप बोर का मॉडल अप्लाई कर सकते हैं तो अगर हाइड्रोजन लाइक आयन होगा हीलियम प्लस होगा तो जेड को टू ले लेंगे अगर लिथियम प्लस प्लस होगा तो जेड को थ्री ले लेंगे अगर बेरिलियम प्लस 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 होगा तो जेड को थ्री ले लेंगे तो ये हो गया कि हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन लाइक आयन हो उसके एनेथ ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन ऑरबाइट कर रहा होगा तब उसका स्पीड कितना होगा उसका एक्सप्रेशन ये आ गया अब v के इस वैल्यू को हम लोग इसमें प्लेस कर देंगे तो आर निकल जाएगा फ्रॉम वन फ्रॉम वन वॉट वी मे राइट एम और वी के जगह पर इतना रख दीजिए जेड ई ए स्क्वेर बाई टू एपसाइलन नॉट एच एन टू एफ्साइलन नॉट एच एन वी के जगह पर और आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई तो टू और टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से क्या निकल जाएगा यहां से देख लेते हैं हम लोग आर इज इक्वल टू आर एन इसका क्या मतलब कि जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एनेथ ऑर्बिट में होगा तो उसके एनेथ ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा रेडियस ऑफ एनेथ ऑर्बिट का फॉर्मूला निकल गया तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू एन इन टू एन एन स्क्वेर एपसाइलन नॉट एच स्क्वेयर एपसाइलन नॉट एच स्क्वेयर बाई पाई एम जेड ई स्क्वेर तो जेड को अलग कर लीजिए पाई एम ई स्क्वेर पाई यहां से रह गया एमजेड स्क्वेयर e पाई एम जेड ई स्क्वेर ऐसा आ गया दैट इंप्लाइज आर इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर बाई जेड टाइम्स एपसाइलन नॉट एच स्क्वेयर बाई पाई एम ई स्क्वेर और आप यहां देखें For hydrogen atom, for hydrogen atom, when its electron orbits in first orbit, orbits in first orbit. तो फर्स्ट ऑर्बिट में और बाइट करेगा तो एन विल बी वन और हाइड्रोजन एटम है तो जेड विल बी वन तो आर बराबर आर वन एन इज वन इज इक्वल टू एपसाइलन नॉट एच स्क्वायर बाई पाई एम ई स्क्वायर और आप देखिए सारी चीजें कांस्टेंट हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फ्लैंक्स कॉन्स्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सारी की सारी चीजें कॉन्स्टेंट हैं तो इनका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है और इसको हम लोग ए नॉट लिखा करते हैं ए नॉट से और ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट हैं अगर इनका वैल्यू आप प्लेस कर देंगे तो ये जीरो प्वाइंट फाइव थ्री आंगस्ट्रम आ जाएगा या इसको फिफ्टी थ्री कह सकते हैं और ये क्या आ गया ये आ गया रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ गया हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस अगर हाइड्रोजन एटम में उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा सर्कुलर मोशन करेगा ऑरबाइट करेगा तो उस ऑर्बिट का रेडियस होगा 53 पिकोमीटर या 0.53 पॉइंट यूनिट और इसको कहा जाता है बोर्स रेडियस इट इज कॉल्ड बोर्स रेडियस इट इज कॉल्ड बोर्स रेडियस बोर्स रेडियस और अगर आप जनरलाइज्ड फॉर्मूले की बात करें अगर हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्मूले की बात करें इधर ये चीजों इन चीजों को इन एक्सप्रेशंस को मैं मिटा दे रहा हूं अगर हम लोग जनरलाइज एक्सप्रेशंस की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन लाइक आयन्स हो। किसी के भी लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं आर को आर इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेर बाई जेड टाइम्स ए नॉट ए नॉट का वैल्यू अपने को पता है 53 पिकोमीटर या 0.53 पॉइंट फाइव थ्री आंगस्ट्रम्स यूनिट तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ए नॉट होगा और सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस जब हाइड्रोजन ले रहे हैं तो Z विल बी वन सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन टू तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस का फोर टाइम्स होगा थर्ड ऑर्बिट का रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस का नाइन टाइम्स होगा उसी तरह से ऑर्बिट का रेडियस जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगा और अगर हम लोग हाइड्रोजन लाइक आयन्स की बात करें जैसे हीलियम प्लस तो हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस का वन बाई टू होगा हाफ होगा क्यों हीलियम प्लस के लिए Z2 टू और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन वन तो A0 नॉट बाई टू सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए N कितना टू तो ये फोर हो जाएगा और हीलियम प्लस के लिए जेड टू तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस का दुगना तो इसी तरह से अगर हाइड्रोजन लाइक -like आयन के लिए पूछा जाए तो उसके जेड का वैल्यू और जिस ऑर्बिट का रेडियस पूछा जाए उसके एन का वैल्यू प्लेस कर दीजिए तो इस फॉर्मूले से हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस बता सकते हैं या हाइड्रोजन लाइक -like आयन के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस बता सकते हैं अब एनर्जी कितनी होगी अगर इस कंडीशन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बाइट कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो एनर्जी कितनी होगी तो जब एन ऑर्बिट में होगा तो दो तरह की एनर्जी होगी एक तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो दो चार्जेज के इंटरेक्शन के करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा ऑर्बाइटिंग इलेक्ट्रॉन का एक काइनेटिक एनर्जी होगा सो वॉट वी मे राइट काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वे वी का एक्सप्रेशन अपने पास है तो वी स्क्वायर मीन्स वॉट जेड स्क्वायर ई फोर डिवाइडेड बाई फोर एफ नॉट स्क्वायर एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर फोर एफसाइलन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर एंड इट कैन बी रिटेन एस के इज इक्वल टू एम जेड स्क्वेर ई फोर बाय एट एपसाइलन नॉट स्क्वेयर एच स्क्र एन स्क्वेर इतना होगा इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कब जब वो इलेक्ट्रॉन एनेथ ऑर्बिट में ऑर्बाइट कर रहा होगा तब और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के सिस्टम को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो वो होगी वन अपॉन फोर पाई एपसाइलन नॉट क्यू वन और क्यू टू इज माइनस ई तो यहां माइनस ले लेंगे जेड ई स्क्वायर बाई आर और आर का फॉर्मूला भी अभी अभी हम लोगों ने निकाला है एफ नॉट एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर एफ नॉट एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर और बाकी चीजें तो न्यूमरेटर में चली जाएंगे पाई एम ई स्क्वेर जेड पाई एम ई जेड तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एम एम जेड स्क्वेयर ई फोर एम जेड स्क्वेयर ई फोर डिवाइडेड बाई फोर एफसाइलन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर फोर एफसाइलन नॉट स्क्वेयर एच स्क्र एन स्क्वेयर इतना हो गया पोटेंशियल एनर्जी और आप देखिए टोटल एनर्जी कितनी होगी अब ये टोटल एनर्जी किसका तो काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन का है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम का है तो पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन की वजह से जो टोटल एनर्जी निकलेगा वो टोटल एनर्जी ऑफ एटम निकलेगा कब जब इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में ऑर्बाइट कर रहा होगा तब और वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगा तो टोटल एनर्जी ऑफ एटम उसको अगर ई इज इक्वल टू ई एन टोटल एनर्जी ऑफ एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बाइटिंग इन एनथ ऑर्बिट तो ये हो जाएगा k प्लस यू और देखिए डिनोमिनेटर अगर दोनों का बराबर कर दें तो इस वाले एक्सप्रेशन के न्यूमिटर और डिनोमिनेटर दोनों को दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें भी डिनोमिनेटर ए टेपसाइल नॉट स्क्वायर एच स्क्न स्क्वायर आ जाएगा और इसमें भी तो माइनस टू टाइम्स इतना प्लस इतना तो ये हो जाएगा माइनस तो रह जाएगा एम जेड स्क्वेयर ई फोर डिवाइडेड बाई एट एक्साइलन नॉट स्क्वेर एच स्क्वेयर एन स्क्वेर तो जब इलेक्ट्रॉन ऐटम के अंदर एनथ ऑर्बिट में ऑर्बाइट कर रहा होगा तो ऐटम को एनर्जी इतनी होगी एनर्जी इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा और एनर्जी के साथ एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में आने वाला निगेटिव साइन sign ये सिग्निफाई करता है कि सिस्टम इज बाउंड इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड है बाउंड सिस्टम की एनर्जी निगेटिव होती है वो न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में सर्कुलर मोशन कर रहा है द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विथ इट्स न्यूक्लियस इट इज नॉट फ्री बिकॉज बाउंड सिस्टम की ही एनर्जी निगेटिव होती है तो ये एटम की एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया कब जब उसका इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर और, एनेथ ऑर्बिट में ऑर्बाइट कर रहा होगा तब और आप ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन को ये जो यहां पर हम लिख देते हैं निगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट सिग्निफाइज दैट द सिस्टम इज ए बाउंड सिस्टम द सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम और इस एनर्जी के एक्सप्रेशन को अगर आप देखें ई इज इक्वल टू इ एन इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर को अलग कर लीजिए तो बच जाएगा एम ई फोर बाई एट एपसाइलन नॉट स्क्वेयर एच स्क्र ये इलेक्ट्रॉन का मास है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं चाहे हाइड्रोजन हो किलियम प्लस हो लिथियम प्लस प्लस हो बेरिलियम ट्रिपल प्लस हो इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास उतना ही रहने वाला है उसका चार्ज उतना ही रहने वाला है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज ए कॉन्स्टेंट प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का वैल्यू कभी बदलेगा नहीं तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं और अगर इन सारे कांस्टेंट्स का वैल्यू आप यहां पर प्लेस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है तो इट विल कम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका वैल्यू थर्टीन पॉइंट सिक्स आता है तो ई इज इक्वल टू ई एन इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर टाइम्स माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा आ गया तो हाइड्रोजन एटम के अंदर फॉर हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन जेड विल बी वन तो अगर हाइड्रोजन एटम है तो जेड को वन ले लेंगे और तब उसका इलेक्ट्रॉन जब उसके ऑर्बिट में होगा तो एनर्जी होगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां से आप देख सकते हैं ई वन हाइड्रोजन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो एनर्जी कितनी होगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन इज वन जब सेकेंड ऑर्बिट में होगा तो एन विल बी टू तो एनर्जी हो जाएगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाई फोर माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब एन इज इक्वल टू थ्री में होगा तो एन थ्री हो जाएगा तो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाई नाइन माइनस वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब एन इज इक्वल टू फोर में होगा तो ये हो जाएगा सिक्सटीन तो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाई सिक्सटीन माइनस जीरो पॉइंट एट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब एन इज इक्वल टू फाइव में होगा तो माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसी तरह से E6 आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट थ्री वन या थ्री फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कुछ आ जाएगा आप ये एनर्जी किसका आया हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं दो तरह से कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है ये न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन यहां है तो एनर्जी इतनी होगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये किसकी एनर्जी है तो बहुत सारी किताबों में लोग लिख देते हैं कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है नहीं ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा एन इज इक्वल टू वन में ऑर्बिट कर रहा होगा न्यूक्लियस के चारों ओर तो इतनी एनर्जी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हाइड्रोजन एटम को होगी ये एटम की एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी ऐड करने पर ही आया है और पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है सो हाइड्रोजन एटम को माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी कब जब उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तब अगर उसका इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है तब एनर्जी माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी अगर थर्ड में ऑर्बिट कर रहा है तो माइनस वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी एंड सोन तो इस एनर्जी डिफरेंट ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करेगा न्यूक्लियस के चारों ओर तो डिफरेंट लेवल्स में जब डिफरेंट ऑर्बिट्स में ऑर्बिट करेगा तब हाइड्रोजन एटम को जितनी जितनी एनर्जी होगी उसको दिखाने का उसके स्केलिंग का एक तरीका होता है हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि जब n बराबर वन में होगा इलेक्ट्रॉन ये वाला पोजीशन तो जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे E1 और ये होगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब n इज इक्वल टू टू में होगा तब जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब n इज इक्वल टू थ्री में होगा तब जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे माइनस वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसी तरह से N is equal to 4 में होगा तो ये हो जाएगा माइनस जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन इज इक्वल टू फाइव में होगा तो इसको एनर्जी हो जाएगी माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनसोन और एक चीज आप जरा गौर करेंगे जैसे जैसे ये एनर्जी सबसे कम है चूंकि एनर्जी निगेटिव है तो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा वो एनर्जी सबसे कम तो हाइड्रोजन एटम जब मिनिमम एनर्जी के स्टेट में होगा मतलब जब उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ऑरबाइट कर रहा होगा जब एन बराबर वन में होगा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ऑरबाइट कर रहा होगा और एटम को एनर्जी होगी माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है और अगर उससे ज्यादा एनर्जी के स्टेट में एटम है इलेक्ट्रॉन एन बराबर टू में है थ्री में है फोर में है तो हम कहेंगे एटम एक्साइटेड स्टेट में है तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया इसके जस्ट बाद का एनर्जी लेवल ये है तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड एक्साइटेड स्टेट फोर्थ एक्साइटेड स्टेट फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऐसे नॉम एन क्लेचर होती है और जैसे जैसे हायर एनर्जी के तरफ आप जाते हैं तो दो एनर्जी लेवल्स के एनर्जी का फासला दो एनर्जी दो कंजेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के एनर्जी का डिफरेंस कम होता चला जाता है आप देख सकते हैं ग्राउंड अस्टेट की एनर्जी और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी का फर्क डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है ग्राउंड स्टेट में जब हाइड्रोजन एटम होगा तब उसको जितनी एनर्जी होगी जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा तो उसकी एनर्जी उससे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा होगी इसमें 10.2 जोड़ेंगे तब इतना आएगा तो इससे इतना ज्यादा एनर्जी है हाइड्रोजन एटम को इस वाले स्टेट में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस आप अगर निकालेंगे तो इससे कम आएगा इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इससे भी कम आएगा इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो तो इससे भी कम आएगा जैसे-जैसे तो आप हायर एनर्जी स्टेट्स की तरफ जाते हैं तो दो एनर्जी लेवल्स के एनर्जी का डिफरेंस कम होता चला जाता है और ज्यादा और ज्यादा हायर एनर्जी स्टेट में अगर जाएंगे तो वो डिफरेंस कम होते, होते 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 इतना कम हो जाएगा कि ऐसा लगेगा जैसे एनर्जी लेवल्स जो अभी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स दिख रहे हैं इट कन्वर्ट्स टू ए वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी लेवल्स की तरह दिखना शुरू हो जाता है और अगर हम लोग हाइड्रोजन लाइक -like आयंस की बात करें तो हाइड्रोजन लाइक -like आयंस में प्लस है तो जेड को टू लेंगे प्लस प्लस है तो जेड को थ्री लेंगे बेरिलियम ट्रिपल प्लस है तो जेड को फोर लेंगे एंड सो ऑन तो एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा ई इज इक्वल टू इ एन इज इक्वल टू जेड स्क्वेर बाय एन स्क्वेर माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए हीलियम प्लस के सेकेंड स्टेट में एन इज इक्वल टू टू में जब इलेक्ट्रॉन होगा तब हीलियम प्लस की एटम की आयन की एनर्जी क्या होगी तो हीलियम प्लस है तो जेड विल बी टू तो टू टू जा फोर और सेकेंड स्टेट के लिए एन इज ऑल्सो टू तो फोर बाई फोर तो हीलियम प्लस के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी उतनी ही होगी जितना हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी तो इस तरह से हम लोग हीलियम प्लस के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जितनी होगी उसकी फोर टाइम्स क्योंकि जेड स्क्वेयर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस तरह से हाइड्रोजन के लिए या किसी भी हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए उसके किसी गिवन एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होगा किसी गिवन एनेथ ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बाइट कर रहा होगा तो बोर्स मॉडल के मुताबिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग इस वाले फॉर्मूले से निकाल पाएंगे तो आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और अगले लेक्चर में किस तरह से बोर्स मॉडल ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया इसकी बात हम लोग करेंगे थैंक यू वेरी मच